पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का सम्मान सह नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का शनिवार को जिला परिषद परिसर में भव्य सम्मान सह नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व जाप जिला अध्यक्ष अब्दुल समद के द्वारा किया गया, जबकि कार्यक्रम का संचालन जाप जिला अध्यक्ष रंजन यादव के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलमाला एवं बुके देकर भव्य स्वागत किया गया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए राजेश रंजन पप्पू यादव ने कहा, यहाँ के लोग अपने बाल बच्चों एवं आने वाली पीढ़ी के बारे में नहीं सोचते हैं। 83 से लेकर अब तक राजनीति के दौरान हमने समझा भगवान की पूजा आंतरिक आस्था का विषय है, जबकि मेरे लिए जनता जनार्दन ही भगवान है। आपसे कोई निजी स्वार्थ नहीं है, आम जनता की निस्वार्थ पूजा करता हूँ। हम पूर्णिया में चुनाव जीतने नहीं बल्कि मरने गए थे। मैं 9 महीने पूर्व ही सलाम पूर्णिया धन्यवाद पूर्णिया को लेकर लोगों से मिला। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना में 40 लाख से अधिक आदमी मरे, मैं उस समय भी पूरे देश में भ्रमण कर लोगों की सेवा की। उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ पर परिवार का कोई अधिकार नहीं है, मैं गरीबों की खुशियों के लिए समर्पित हूँ। आम आदमी के साथ न्याय हो, अंतिम व्यक्ति तक खाना पहुँचाना ही मेरा लक्ष्य है। जब तक मैं जिंदा हूँ काम करता रहूँगा। उन्होंने कहा कि देश हित में मैं राहुल गांधी की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं जात पात की राजनीति नहीं मानता हूँ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा सिर्फ पप्पू यादव ही दिला सकता है। उन्होंने कहा कि कोशी सीमांचल में मक्का मखाना फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगाने एवं बेरोजगारी दूर करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए की विशेष पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि छोटी सी उम्मीद का नाम है पप्पू यादव, मैं गरीबों के सपना को साकार करने के लिए सेवा कर रहा हूँ। बिहार में गठबंधन के राजनेताओं ने लोगों को दिग्भ्रमित किया। इस बार चुनाव में गठबंधन के नेतृत्व ने जनता के साथ विश्वासघात किया। मुझे पूर्णिया में बेटा के रूप में लोगों ने आशीर्वाद दिया, मेरी जीत सिर्फ गरीबों के कारण हुई है। किसी राजनेता माफिया या ताकतवर लोगों से मैंने वोट नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में कोशी सीमांचल का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इसके लिए सभी कार्यकर्ता संकल्पित होकर अभी से लोगों से संपर्क करें। इस अवसर पर प्रोफेसर अरविंद खां, कपिल देव यादव, समीर पाठक, जितेंद्र भगत, दीपक कुमार, ताबिश मेहर, गोपाल झा, जीबू आलम, गुड्डू कुमार, मनोज पासवान सहित अन्य मौजूद थे। सवाल उठा, मेरा ही पहला नारा है और आप मेरा स्टैंड के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। सारा मंत्रिमंडल बन गया 30 MP, पहले आप विशेष राज ले लेते और कोशी सीमांचल के लिए विशेष पैकेज और हाईडेम बना लेते और आप तय करते कि पहले बाढ़ से मुक्ति होगी और 2 करोड़ लोगों का पलायन रोकेंगे हम सीमांचल और कोशी से। आप तो मंत्रिमंडल ले लिए, विशेष राज की चर्चा नहीं हुई, एक बार भी बात नहीं हुआ। जब फिर कोई राजनीति बात आएगी दुकान चलाने की तब ये विशेष राज उठेगा। विशेष राज का मुद्दा सिर्फ पप्पू यादव का मुद्दा है। वोट के दिन भी पप्पू यादव ने यह सवाल उठाया, वापस ले लीजिए समर्थन। यदि विशेष राज नहीं दे रहा है तो या नहीं तो मंत्रिमंडल से अपने साथियों को निकालिए, बोलिए विशेष राज दो, बिहार की जनता ने वोट दिया है पलायन को रोकने और रोजगार के लिए, और इसके लिए कोशी सीमांचल को 40,000 करोड़ का पैकेज चाहिए। 40,000 करोड़ का पैकेज दीजिए ताकि हम बाढ़ से मुक्ति और मक्का मखान और फूड प्रोसेसिंग पर हम फैक्ट्री बना पाए। और लगातार ये सवाल उठेगा, ये मैं आपको बता दिया। हर आदमी को 50 रुपये में एक्सरे और जितनी दवाई की जरूरत होगी 100 की होगी तो 70% छूट। ये पूरे कोशी सीमांचल के हर जिले में, कोशी सीमा ने आवाज उठाया था चुनाव से पहले कि कोशी सीमांचल वासियों को के हक और उसके अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ कोशी इलाके में लगभग कई वर्षों से ओवर ब्रिज नहीं है जिससे लोग, मैंने आज भी कहा ओवर ब्रिज का जब हो गया था, गडकरी जी ने घोषणा कर दी थी, तो मेरे चुनाव हारने के बाद ओवर ब्रिज कहाँ गायब हो गया। डबल इंजन की सरकार है और सहरसा के लिए ओवर ब्रिज से ज्यादा जरूरत किसी चीज की नहीं है। ओवर ब्रिज सहरसा की लाइफ लाइन है,
और मेरी पूरी कोशिश होगी ओवर ब्रिज सहरसा की बने। बैजनाथपुर के लिए हम 23 या 24 तारीख को केंद्रीय मिनिस्टर से मिलेंगे और दीवार के बदले हम पिलर के निर्माण पर के लिए हम बात करें। काफी सर परेशान है वहाँ के सर, हम पिलर के निर्माण के लिए बात करें। मैं तुम में जिस तरीके से एक दूसरे को गाली करो, आज सवाल दूसरे को नीचा और बड़ा दिखाने का नहीं है। कुछ दिन पहले किसकी सरकार थी? महागठबंधन की। और आज किसकी सरकार है? एनडीए की। कुछ दिन पहले ये लोग जंगल राज की बात करते थे और आज ये लोग फिर महाजंगल राज की बात कर रहे हैं। तो दोषी कौन है? जनता। ये दोनों पवित्र हैं, दोषी सिर्फ जनता है। पिसे जनता, मरे जनता, परेशान हो जनता, सफर करे जनता, और इन लोगों की राजनीति चलती रहनी चाहिए। ये लोग हमाम में नंगे हैं और ये लोग अपराधी माफियाओं को टिकट दे करके परंपरा को लागू करते हैं। ये लोग नेताओं का घर इन्हीं बालू शराब और जमीन के माफियाओं से चलती है। नेक्सस है सभी दल के नेता, लगभग 60% सभी दल के नेता 60% से 70, ये भी मैं डर से बोल रहा हूं 30 ज्यादा, 70% नेता के माँ बाप दादा नाना बेटा बेटी के नाम से रजिस्ट्रेशन है, कॉन्ट्रैक्टरी करता है, पीडब्ल्यूडी आरडब्ल्यूडी जमीन का धंधा करता है, रियल एस्टेट में थाना सीओ डीसीएलआर एडीएम नेता माफिया मिल करके धंधा कर रहा है। तो कहां से अपराध रुकेगा? मर्डर नहीं होंगे जब आप सरकारी जमीन का रजिस्ट्री करा लीजिएगा, लाल कार्ड वाला करा लीजिएगा, हरा कार्ड वाला करा लीजिएगा, दूसरों की जमीन पर गिद्ध दृष्टि है आपकी, तो फिर मर्डर होगा ना। कॉरेक्स कौन बेचवा रहा है सबसे ज्यादा? और ड्रग्स, लगभग नेता लोग ड्रग्स बेचवा रहे हैं और पदाधिकारी के मिली भगत से, तो मर्डर होंगे ना। आप छोड़ दीजिए टिकट देना इन ताकतवर माफियाओं को, अपराधी को तो बढ़ावा ये नेता लोग देते हैं जाति के आधार पर। जब तक जाति के आधार पर अपराधियों का गणेश परिक्रमा होगा और अपराधी के बदौलत वोट बटोरे जाएंगे और साथ में घुमाए जाएंगे मर्डरर को, तब तक आप बिहार में एक दूसरे को गाली देते रहिए, अपराध मुक्त नहीं हो सकता। 200 बेटियों के साथ नौकरी के नाम पर यौन शोषण, लगातार ट्रिपल मर्डर छपरा में, 2 बच्चे की हत्या यौन शोषण करके 11 साल 12 साल, 1 बच्चा 3 भाई पर पटना में लगातार मर्डर, हर दिन आधा दर्जन से ज्यादा मर्डर पटना में, कोई दिन नहीं जिस दिन हर जिले में 1-2 मर्डर ना होता हो, और ये लोग मजे में गाली गलौज दे रहे हैं। ये लोग सिर्फ जनता का आंख में धूल झोंक रहे हैं, जनता को अपराधी माफिया नेताओं और पदाधिकारी के भ्रष्टाचारी और माफियाओं के बदौलत छोड़ दिया गया है। अब ये लोग सियासत की राजनीति में लगे हैं क्योंकि आगे चुनाव है। सर विपक्ष